एवरीवन, वेलकम टू रश्मि फूड स्टफ। आज मैं फिर आपके लिए लेके आई हूँ एक नई रेसिपी। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल पर जाके ऑल को जरूर प्रेस कर दीजिए। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुरकुरे की रेसिपी। जी हाँ, जो हम दुकान से 10 रुपए का पैकेट खरीद के लाते हैं, एकदम वही वाला टेस्ट है, वैसा ही क्रिस्पी है। बहुत सारे टिप्स मैंने दिए हैं, उसको आप फॉलो करिए। इसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना होगा। लास्ट में मैंने फूड लाइब्रेरी में रोचक जानकारी दी है, तो चलिए शुरू करते हैं। कुरकुरे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिया है मैंने कढ़ाई। कढ़ाई को गैस पे नहीं रखा है। अब इस कढ़ाई में मैं एक कटोरी रख रही हूँ, इसमें मैंने आधा कटोरी चावल का आटा लिया है। चावल का आटा को आप घर में पीस भी सकते हैं, अगर चावल को मिक्सर में डाल के पीस लीजिए और छान लीजिए। यहाँ पे मैं 2 चम्मच ले रही हूँ बेसन। मेजरमेंट आप ध्यान रखिएगा, बड़े चम्मच से मैंने लिया है। 1 चम्मच मैं ले रही हूँ यहाँ पे कॉर्नफ्लोर। इन सभी चीज़ को मिला के देखें तो आप पूरा एक कटोरी हमारा भर गया है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नमक स्वाद अनुसार, ज़्यादा भी मत डालिए क्योंकि बाद में मैं इसमें मसाला ऐड करने वाली हूँ। और चुटकी भर यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ, ये देखिए, पिंच भर सोडा। ज़्यादा मत लीजिएगा, जितना मेज़रमेंट मैंने बोला है एकदम ध्यान से देखिएगा। अब इन सभी चीज़ों को कढ़ाई में डाल देते हैं और चम्मच से धीरे धीरे करके इसे हिला लेते हैं इस तरह से। अब मैंने एक कटोरी सभी चीज़ मिला के लिया था, अब उसी कटोरी से मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 कटोरी पानी। अब इसे धीरे धीरे डालेंगे और विस्क की सहायता से चलाते जाएंगे ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना रहे। धीरे धीरे आप इसे चलाते जाइए, देखिए बैटर हमारा ऐसा हो जाएगा। पानी 1 कटोरी ही डालिएगा, उससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। ये हमारा घोल बन के तैयार है। अच्छी तरह से मिला लीजिए ताकि कोई भी गुठलियाँ ना रहे, क्योंकि जब हम इसे गैस पे चढ़ाएंगे तो अगर गुठलियाँ रहेंगी तो वो जल्दी हमारा दबता नहीं है। तो ये देखिए, ये अच्छी तरह से मैंने मिला लिया है। अब इसे हम गैस पे रखते हैं। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई को गैस पे रख दिया है और फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो रखा है। धीरे धीरे इसे चलाते रहिए, छोड़िएगा नहीं, हल्के हाथ से इसे चलाते रहना है क्योंकि ये नीचे जाके तली में बैठ जाएगा। और इसे हमें इतना चलाना है कि सारे मिश्रण एक जगह इकट्ठा हो जाए और कढ़ाई हमारा छोड़ने लग जाए। तो देखिए, अभी हम इसे धीरे धीरे चलाते रहते हैं इस तरह से। थोड़ी देर चलाने के बाद देखिए मिश्रण हमारा ऐसा गाढ़ा होते जा रहा है और एक जगह इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया है। इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, फ्लेम को एकदम लो कर देते हैं और किनारे से भी हम लेते हुए रहेंगे स्पैचुला की सहायता से। और थोड़ा हम इसे क्या करेंगे, चलाते वक्त हल्का हल्का स्पैचुला की सहायता से दबाते भी जाएंगे, इन केस अगर कोई गुठलियाँ रह जाए तो वो अच्छी तरह से हमारा मिक्स हो जाए। इस तरह से करते हैं, सभी को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे ढक्कन से ढक देते हैं। ढकने के बाद हम इसे 2 या 3 मिनट रहने देंगे बीच बीच में, लेकिन हमें चलाते रहना होगा। ये देखिए, मैंने बीच बीच में चला भी लिया, अब हमारा मिश्रण एकदम परफेक्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं गैस को कर देती हूँ बंद और थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के लिए मैंने इसे यहाँ प्लेट में निकाल लिया है, थोड़ा देर इसे हम ठंडा करते हैं। ठंडा होने के बाद क्या करेंगे, हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इसे अच्छी तरह से आटे की तरह इसे मसलना है। मसलना इसलिए है क्योंकि इसमें कोई क्रैक्स नहीं रहना चाहिए। इस तरह से देखिए, दोनों हाथ से अच्छी तरह से मिला के हम अच्छी तरह से मसल लेते हैं। मसल के इस तरह से एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। अब हाथ में थोड़ा सा तेल लगाते हैं। अब थोड़े सा इसके लोइयां बनाते हैं। लोई बना के इसके छोटे छोटे हम पेड़े बना लेंगे इस तरह से, देखिए। अब हमें क्या करना है, इसे लंबा सिलेंडर शेप में बनाना है और ये इस तरह से बना के ये जो हमारा उंगली है, उंगली के बीच में इसे लाते हैं और थोड़ा सा प्रेस करते हैं और इसे इस तरह से ट्विस्ट कर दीजिए ताकि थोड़े टेढ़े मेढ़े शेप बन जाए। आपने देखा होगा कुरकुरे हमारे इसी शेप के होते हैं, थोड़े ऐसे पतले, कहीं मोटे, हर एक अलग अलग शेप में होता है। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे शेप आपके एक जैसे ही हों, थोड़ा कोशिश करिए डिफरेंट बनाने का। एक और मैं बता रही हूँ, देखिए इस तरह से उंगलियों के पास ला के इसे थोड़ा सा हल्का प्रेस कर दीजिए। ये आप देख रहे हैं इस तरह से शेप हो गया है। एक और बता रही हूँ मैं, इसी तरह से लोई लीजिए, ज़्यादा लोई, बहुत पतला भी मत लीजिए, बहुत मोटा भी मत लीजिए। इस तरह से उंगली के बीच में ला के इसे इस तरह से प्रेस कर लेते हैं। इसी तरह मैं सारे बना लेती हूँ। अब इसे तलने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल रखा है। तेल को पहले हाई फ्लेम पे गरम कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने सारे कुरकुरे बना लिए हैं, कैसे अलग अलग शेप के हैं ये दिख ही रहा होगा आपको। इसी तरह आपको बनाना है। अब क्या करेंगे, फ्लेम को यहाँ पे मैंने मीडियम कर दिया। जैसे हम कुरकुरे इसमें डालना स्टार्ट करेंगे,
फ्लेम को मीडियम कर देंगे। एक ज़रूरी टिप्स देना चाहती हूँ यहाँ पे फ्रेंड, फ्लेम को लो मत रखिएगा, लो करिएगा तो ये सारा तेल पी जाएगा और हमारा कुरकुरे क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो इस तरह से डाल देते हैं, सारे कुरकुरे एक साथ मत डालिएगा, पहले थोड़ा ही डालिए और इसे थोड़ा चम्मच से अलट पलट कर दीजिए। चलिए अब देखते हैं कि हमारा कुरकुरे बना है या नहीं बना है, तो चम्मच की सहायता से इसे हिलाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, अभी थोड़ा इसे और गोल्डन करते हैं, तो इसे थोड़ी देर तेल में ही रख के चलाते हैं। ये देखिए अब हमारा ये परफेक्ट बन के रेडी है, हमें ऐसा ही चाहिए, ना ज़्यादा गोल्डन चाहिए ना कम गोल्डन चाहिए। तो अब हम इसे क्या करेंगे, एक डोंगे में निकालेंगे। यहाँ पे एक ज़रूरी टिप्स देना चाहती हूँ, जब आप इसे डोंगे में निकालें तो नीचे कोई भी टिश्यू पेपर ना रखें, उससे क्या होगा ये सारा तेल एब्जॉर्ब कर लेगा टिश्यू पेपर और हमारा कुरकुरे जो है क्रंची और क्रिस्पी नहीं बनेगा। इस तरह से सारे निकाल लेते हैं और इसी तेल में फिर हम दूसरा स्लॉट भी डाल देते हैं। ये देखिए सारे कुरकुरे हमारे बन गए हैं, कितने क्रिस्पी क्रंची हैं, और आप इसे तोड़ के देखिए आराम से टूट जाएगा, और इसके देखिए सेप भी देखिए एकदम मार्केट जैसा है। तो मैं फ्रेंड अभी इसकी आवाज़ आपको सुनाती हूँ, देखिए कितना क्रंची है ये। तो ये लीजिए हमारा कुरकुरे बनके रेडी है। अब चलते हैं इसे मसालेदार बनाने के लिए। तो यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा तीखा पसंद है तो लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, आधा चम्मच मैंने आमचूर पाउडर लिया है, आधा चम्मच जीरा पाउडर और आधा चम्मच मिला के मैंने नमक और चीनी लिया है, पीसी हुई चीनी मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, और इन सभी चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं। तो ये हमारा चटाकेदार कुरकुरे बन के रेडी है फ्रेंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करिए और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। सभी चीज़ों का मेज़रमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा कुरकुरे बनके रेडी है। तो एक बार कुरकुरे बना लीजिए, बच्चे भी खुश आप भी खुश। मैं तो जिस दिन से ये कुरकुरे बनाई हूँ फ्रेंड, मेरा बेटा कभी भी जिद नहीं करता कि बाहर की चीज़ों को लाओ, घर में बनाई हूँ तो हेल्दी तो है ही। तो देखिए कितने कम सामान में बनके ये रेडी हो जाता है। तो आप भी बनाइए और अपने बच्चों को भी खुश करिए, आप भी खा के खुश होइए फ्रेंड। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर इसी तरह नई नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड।